ये चाहिए तो नहीं होती। उठिए थोड़ा थोड़ा ही उठिए, दो तीन बार ही उठी, बस अच्छे लग रहा है, पूरा नहीं उठाया गया आपको। इनके पीछे उठने की कोशिश कर दी बार 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 कर दी है, लेकिन टेम्परेचर अगर पहली बार च रहना उठे टाइम तो फिर पाँच छः घंटे आएंगे उठ पे फिर क्योंकि एक बीमारी के लिए इन कहने टॉनिक टोसिस सिंड्रोम कहते हैं, एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी। दूसरा डॉक्टर साहब जो आए ने ते ट्रीट करके गए, इलाज करके गए ने, ते पहले की कंडीशन सुने इलाज करों तो पहले पहले थी ये माजे बैठी थी, उठती नहीं थी पई। अच्छा जी। नहीं सी उठती पई तो उन्हें ड्रिप लाई है। ड्रिप ला के टीके टूके लाए ने, कह रही है उठ पेगी, 15-20 मिनट बाद उठ पई है। ड्रिप लाई है, ड्रिप भी लाई है, ड्रिप लाई है, ड्रिप लाई है, वो लाई है तो ला के माजे उठ पई। अच्छा, उठ पई तो गाली कर दी पई थी, पठे खा रही थी। अच्छा जी। पठे सारे खा रही हूँ, कोई फिट है पहले ना लोग किन्हीं ठीक है जी, दोबारा ठीक है, 10 मिनट ठीक है, मैं ले आके ला। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक भैंस है, ये केस डोनर सिंड्रोम का केस है। डोनर सिंड्रोम कौ का केस इसे क्यों हुआ? इसे विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी और साथ जिंक, सिलेनियम, विटामिन ए डी वगैरह। इस भैंस के मालिक जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर ने इसके ट्रीटमेंट में कुछ ख़ास विटामिन वगैरह या कैल्शियम वगैरह नहीं दी, जिसकी वजह से ये भैंस का केस जो है वो ज़्यादा लंबा होता चला गया। असल में इसे लिवर फ्लू का मसला था, इसकी जो दोनों टांगों के दरमियान चेस्ट में जिसे कोली कहते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी, और हमने डायग्नोज किया तो उसमें पानी पानी नमा था। असल में इसके जिगर में प्रोटोजोआ पैरासाइट का मसला था, और जिगरी किरमों की वजह से इसे लीवर फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से इस भैंस में खून की कमी, एनीमिया और विटामिन की कमी हो गई थी। इसकी स्किन बिल्कुल खुरदरी और रेड हो चुकी थी, और इसके बाल बेरौनक हो चुके थे, और इसकी आंखें अंदर को दंस चुकी थी, जिसकी वजह से इसका एनर्जी लेवल बहुत लो हो चुका था। मेटाब्लेज तो और कौ सिंड्रोम कमजोरी केस में हमने जिसकी वजह से इस केस को मेटाब्लेज में हम डिसऑर्डर कहते हैं। 1 अदद रिंगर, 100 ml कैल्शियम, 100 ml मेटाब्लेज, 100 ml अमाइनोप्लेक्स और 100 ml एमिवई काम, 10 ml सैनोकोब 1000 mg, 50 ml फास्फोन का इस्तेमाल किया, और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह से भैंस ठीक तरीके से खड़ी भी हुई और चारा भी ठीक तरीके से खाया, और हमने ये वीडियो भी साथ अटैच कर दी। भैंस को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मसला था, और इसे विटामिन की, कैल्शियम की, मेटाब्लेज की, अमाइनोप्लेक्स की और फास्फोरस की ज़रूरत थी। जो भी डॉक्टर इसका इलाज करता रहा वो इसे आईवी में ये चीज़ें ठीक तरीके से ना लगाने की वजह से अपना जो केस है वो उसे हैंडल ना कर सका, और इन्होंने डॉक्टर रियाज साहब से रब्ता किया, और डॉक्टर रियाज साहब आए, उन्होंने भैंस को तीन दिन इसका ट्रीटमेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से भैंस आपके सामने खड़ी है, और ये भैंस चारा भी ठीक तरीके से खाती है माशाल्लाह। और हम अपने डॉक्टर भाइयों को यही मशवरा देंगे कि आप जानवर की बीमारी को
अच्छे तरीके से पहले डायग्नोज करें, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें। अगर जानवर की बीमारी को आप डायग्नोज नहीं करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि जानवर को क्या नुक्स है, आप उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आप अपने केस को ख़राब कर लेंगे। आप वो केस ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पता होगा कि इसे कैल्शियम की कमी है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या लिवर फ्लूक है या डाउनर काउ सिंड्रोम का केस है, अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से आपका केस भी जल्दी से हैंडल हो जाएगा और मालिक भी आपसे राज़ी हो जाएगा।